माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद की 17 पुलिस कर्मियों के सुरक्षा के घेरे में। तमाम मीडिया चैनल जब लाइव थे, जब उनसे सवाल जवाब की प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान 3 शार्प शूटर आते हैं, गोली मारकर अतीक और उसके भाई की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद से अतीक का मामला लगातार छाया हुआ है। इस खबर को मीडिया चैनल्स ने कैसे देखा ये तो हमने आपको बताया है, लेकिन अब जान लेते हैं कि इस चैनल पर विदेशी मीडिया का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बीबीसी ने इस हत्याकांड को लेकर क्या लिखा। बीबीसी ने इस हत्याकांड को कवर करते हुए लिखा कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की लाइव टेलीविजन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीबीसी ने आगे लिखा कि पुलिस हिरासत में अतीक अहमद पत्रकारों से बात कर रहा था, इस दौरान उनके सिर पर बेहद नजदीक से गोली मार दी गई। ये वाक्या प्रयागराज में हुआ, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जर्मन मीडिया हाउस DW ने लिखा कि पूर्व सांसद और उसके भाई की लाइव टीवी पर पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात तब हुई जब यूपी पुलिस उसे चेकअप के लिए प्रयागराज के एक अस्पताल ले जा रही थी। वहीं स्काई न्यूज ने लिखा कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की लाइव टेलीविजन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रिटिश टेलीविजन ने लिखा कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की लाइव टेलीविजन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। टेलीविजन ने आगे लिखा कि पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण कांड में जेल में बंद था, उमेश पाल मर्डर का आरोपी भी था। वहीं टेलीविजन ने आगे लिखा कि हमलावरों ने गोली मारने के बाद हिंदू धार्मिक जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा कि भारत के पूर्व सांसद की एक नाटकीय तरीके से उसके भाई के साथ लाइव टीवी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपहरण के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और साल 2019 से जेल में बंद था। वहीं एक दूसरे मामले में उस पर हत्या का भी आरोप था। अखबार ने आगे लिखा कि हमलावरों ने गोली मारने के बाद हिंदू राष्ट्रवादी स्लोगन जय श्री राम के नारे लगाने लगे। भारत में यह नारा मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू राष्ट्रवादी नारा बन चुका है। वहीं अल जजीरा ने लिखा कि भारत के एक पूर्व सांसद की प्रयागराज में उसके भाई के साथ लाइव टीवी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह अपहरण के एक मामले में दोषी पाया गया था और एक मर्डर के केस में आरोपी था। इस हत्या के बाद से यूपी के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोली मारने के बाद सरेंडर कर दिया और हिंदू राष्ट्रवादी जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दोस्तों, विदेशी मीडिया ने इस खबर को किस तरीके से कवर किया ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।